जी प्रधान जी, आज प्रदर्शन किया ज्ञापन छोटा क्या मांगे? हाँ, नमस्कार सर जी, मैं जिला अध्यक्ष लोकेश बयाना अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ। आज डीसी को और एससी को मांग पत्र दिया गया है बिजली बोर्ड के अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों ने। जो भी सरकार पॉलिसी रेगुलर की बनाए तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी उसमें शामिल किया जाए। रिक्स डाउन में काम करता है बिजली बोर्ड का, हर रोज आज से होते हैं पूरे हरियाणा में, कोई दिन ही टलता है, हर रोज कोई कच्चा कर्मचारी आज से शिकार हो रहा है। रिक्स अलाउंस दिया जाए कच्चे कर्मचारी को, कहने पर बड़ी बड़ी बात कहती है सरकार, देना दूना कुछ नहीं। आप भी चार दिन पहले नायब सिंह सैनी ने 8% की बढ़ोतरी का मीठी गोली दी है, जबकि जिला जींद का एक पैसा भी नहीं बढ़ा, जबकि निगम रेट से ज्यादा डीसी रेट जींद पहले ही ले रहा है। 3-4 साल से लगातार कच्चे कर्मचारियों का एक पैसा नहीं बढ़ रहा, 20,000 रुपये ही खड़ा है सैलरी, जबकि हमारी लगभग बिजली बोर्ड में हरियाणा के 18,000 कर्मचारी है। हमारी कोई पॉलिसी बनाकर, सेवा नियम बनाए या कोई पॉलिसी रेगुलर बनाकर सभी को पक्का किया जाए। लगातार संघर्ष में है संगठन। 29 जुलाई को करनाल में प्रदर्शन के आज सीएम के माध्यम से और डीसी के माध्यम से सीएम को पत्र दिया गया है। 29 तारीख को करनाल में बड़ा प्रदर्शन करेगा अनुबंधित विद्युत कर्मचारी। जब भी समाधान नहीं हुआ तो धरना अगले ही दिन लगातार, जब तक आचार संहिता नहीं खत्म होती, रेगुलर पॉलिसी में कच्चे कर्मचारी बिजली बोर्ड के नहीं लिए जाते, लगातार संघर्ष करेगा अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आप इससे पहले किन किन प्रशासन के अधिकारियों से मिल चुके हैं? आज इस बारे में तो आज हमारा संगठन का हमारे 22 के 22 जिला में एससी महोदय और डीसी महोदय को ही मांग पत्र देने का था आज का कार्यक्रम सारा। इससे पहले आपने कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को ये मांग रखी है सामने? लगातार ACS मुख्यमंत्री सभी के साथ प्रशासन से बात होती है, मीट्स भी जा रही होती है, लेकिन रिजल्ट जीरो है। कहने के तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तनख्वाह बढ़ा दी, रिक्स अलाउंस दे दिया, LTC दे दिया, ऐसा डाटा चढ़ गया, पत्र आता पत्र पत्र के रूप में पत्र ही रह जावा, कुछ काम नहीं होता उसका ऊपर। अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। HKRN के जो कर्मचारी उनका 8% जो पेमेंट मानदेय पड़ा है, क्या HKRN में जो पोर्ट किए गए थे उनकी सैलरी नहीं बढ़ी गई, जो कौशल में नहीं बढ़ती हुई थी उनकी सैलरी लगातार बढ़ रही है। हमारी पहले ही निगम रेट से लगभग 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, आज निगम रेट स्टार्ट हो रहा है, डीसी रेट बिल्कुल खत्म हो चुका है, 4 साल से 1 रुपया भी बिजली बोर्ड के कर्मचारी का नहीं बढ़ा है। करनाल में किस तरह का प्रदेशिक होगा या कार्य? करनाल में 18,000 कर्मचारी विद्युत विभाग के हैं, बिजली बोर्ड के कच्चे कर्मचारी, पूरी शक्ति पूरा प्रदर्शन जबरदस्त होगा। आज तक पूरे हरियाणा में किसी ने प्रदर्शन देखा भी नहीं होगा, बिजली बोर्ड का कच्चे कर्मचारी का एक ही संगठन है अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। क्या नाम है? लोकेश बयान, जिला अध्यक्ष जींद अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ।